told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. ये देखिए जरा, दोनों बहू और ससुर कैसे बैठे हुए हैं, फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ। मिस्टर मफिन, मिस नुई, कैसे जोड़कर मफिन के साथ बैठी है? मफिन को तो आजकल बस नींद ही आती रहती है। बिल्लू बिल्लू, ये देखो, अब तो सही मानो मेरे ससुर है। बहू और ससुर हैं दोनों। बहू कितनी प्यारी, इतनी प्यारी बहू। ये कौन आ गया है? ये देवर आ गए नूर का। नूर, ओ मफिन, छोटे मफिन। और ये कौन है? नूरी, नूरी आपके काके कब आएंगे? नूरी के काके कब आएंगे? ओ मेरी बिल्ली किधर है? पता नहीं नूर के हस्बैंड कहाँ है। बिल्लू, नूरी, नूरी, बिल्ली, स्कूबी, स्कूबी, इतनी क्लीनिंग अपनी स्कूबी, इसलिए तो कभी नाया नहीं है। साफ देखो ना कैसे क्लीनिंग कर रहा है अपनी, ये इसलिए तो साफ सुथरा रहता है ना। हाँ, और ये लड़का कभी गंदा नहीं होता। बगीरा भी नहीं आएगा मुझे लगता है जिंदगी में कभी भी। नहीं, बगीरा ना आना पड़ेगा इसको। बगीरा तो ना भी। You pretty girl। माया तब तक इनको अंदर ना करना, मैं कुछ करूँगा। ऊपर से उतार के दिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो ये है जी कल का व्लॉग, और कल मैंने ये स्टार्ट कर लिया था शाम की चाय के टाइम से। तो अभी मैंने उठ के चाय बनानी है, और आज चाय के साथ एक बहुत ही मज़े की चीज़ बनाऊँगी, आपको भी दिखाती हूँ क्या बनाऊँगी। और ये मेरे दोनों माशाल्लाह 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 इतने प्यारे बच्चे मेरे दोनों बैठे हुए हैं एक साथ, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अभी हो रहा है शाम की चाय का टाइम, और शाम की चाय बनाने लगी हूँ मैं, और उसके साथ आज मैं बनाऊंगी बेसन का चीला। बेसन के जिसको पैनकेक कहते हैं ना, तो आप वो कह सकते हैं, लेकिन ये मीठे नहीं होते, सॉवर होते हैं। तो मैं बेसन का चीला बनाऊंगी, और ये डाइट वाले लोग भी खा सकते हैं इजीली, ये बहुत अच्छा होता है। थोड़ी सी ऑयल में बनाऊंगी, वैसे मुझे अच्छा लगता है देसी घी ऊपर रख कर थोड़ा सा, और चाय के साथ खाने में बहुत मज़े का लगता है। तो चलिए जी, साथ चाय रखती हूँ एक तरफ, और साथ में बेसन का चीला बना लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पे बेसन का चीला बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल वे में मैं बनाऊँगी। रेसिपी यहाँ पर मैं शेयर नहीं कर रही, तो क्योंकि प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को, तो बस अपने दूसरे चैनल पे मैं करूँगी। एक्चुअली वहाँ पे ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, आजकल बहुत बिजी होती हूँ, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है कि एडिटिंग करके उस पर रेसिपीज़ डालूँ। बहुत सारी पाइलअप हो चुकी हैं, इंशाल्लाह आज से ही वहाँ पर रेसिपीज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की हैं वहाँ पर। और बस इसमें स्प्रिंग अनियंस भी डालती हूँ, और ये बहुत ही मज़े का बन जाता है। और बस इसको मैंने अब पानी डालकर, तो मैं इसका लिक्विड सा ना एक
जो है इसका बैटर बना लूँगी थोड़ा सा लिक्विड साइड पर। आप ये देख सकते हैं कंसिस्टेंसी, इस कंसिस्टेंसी में इसको बनाना होता है। बड़े मजे का बना आप लोगों ने खाना है, बहुत ही टेस्टी है। चाय मैंने जल्दी निकाल ली थी, कैटरिंग ये भी डालेंगे हम। ओ ब्राउनी आपने नहीं खाना, आपके लिए बहुत हम भूल जाएगी। कितना लगाएंगे घी? जितना डालना है। इतना टेस्टी है कि मैं खड़े खड़े ही खा गया सारा। आगे बस एक और बनेगा। अच्छा पहले ही आके बैठ गए हो, इसका कप किधर है? आपके लिए भी रेडी करूं, ये लो आओ। चलो आओ पियो, बताना कितनी चाय डालूं। तो ब्राउनी भी ना लिप्स पे जुबान फिरी जा रही है। मैं तो जीना आराम किया है यार, नहीं खा सकते आप। हम दोनों आपको तंग कर रहे हैं। चाय के बाद मैं बाहर गई थी, मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी थी तो वो लेकर आई, और घर आते ही फिर डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी क्योंकि डिनर काफ़ी लेट हो रहा था। और आप ही सोच रहे होंगे कि आज के व्लॉग में बस खाना खाना ही है, तो बस शाम को स्टार्ट किया था ना तो इस टाइम पे कुकिंग ही हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने ना ये बना ली थी चिकन कढ़ाई, बड़ी मज़े की, और हांडी टाइप थी ये, और ये जो छोटी सी इतनी क्यूट सी हांडी आप देख रहे हैं ना, तो ये मैं मम्मा के घर अभी गई थी तो वो लेकर आई थी और मुझे इतनी क्यूट लगी तो मम्मा ने ना मुझे दे दी है। तो आते ही मैंने इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ी और मैंने आके ना खाना बना लिया। और फ़ज़ैल का बहुत दिन से दिल कर रहा था क्रीम चाट खाने का, तो मैंने कहा चलो आज फ़ज़ैल को क्रीम चाट बना कर दे देती हूँ। और आप लोग सोचते होंगे ये लोग कितना खाते हैं, नहीं भाई हम इतना नहीं खाते हैं, और इस तरह की स्पेशल चीज़ें तो कभी कभी मैं बनाती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए मैं इनको कभी कभी, मीठा तो मैं बहुत कम बनाया करती हूँ।
तो बस जल्दी से मैंने ये बना ली, क्रीम चाट भी बना ली और इसमें साथ आइसक्रीम भी डाली थी। और यकीन करें बाहर की क्रीम चाट से ज़्यादा मज़े की ये बनी थी, बहुत टेस्टी थी। और फ़ुज़ैल का बहुत दिन से दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलो बना कर आज दे देती हूँ। और मैंने एक डेढ़ घंटे में ही सब कुछ बनाया था, आटा भी गूंदने वाला था, आटा गूंदा, रोटियाँ पकाईं, सालन पकाया और चाट बनाई, चाट भी बना के फ्रीज़र में रख दी थी। तो बस जी अब मैं इसको बना लिया, डन हो गया, थोड़ी सी फ़ुज़ैल को दूंगी और फिर फ्रीज़र में रख दूंगी। और जल्दी जल्दी से बस खाना बना रही थी मैं। और ये है मेरी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक, बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये बनी थी, बहुत मज़े की ये बनी थी। बस जी साथ साथ में जल्दी जल्दी से बनाती हूँ रोटियाँ। और मैं आजकल यही प्रेफर करती हूँ कि मैं घर की ही रोटी खाऊँ और बनाऊँ, क्योंकि जब मैं ख़ुद रोटी बनाती हूँ वो मेरे हाथ में होता है उसका साइज़, तो अगर मैं बाहर से रोटी मंगवा के खाऊँ ना तंदूर से तो वो उनकी बहुत बड़ी और मोटी रोटी होती है, जबकि मुझे अपने लिए 40-50 ग्राम से ऊपर के पेड़े की मैं रोटी नहीं बनाती। इसलिए मुझे मेरी कोशिश होती है चाहे जितनी मर्ज़ी मैं थक गई हूँ ना, खाना और रोटी अपने लिए घर ही बनाऊँ ताकि कम से कम खा सकूँ। और अभी मम्मा वगैरह भी आ गए थे और हम लोग यहाँ पर खा रहे थे अब क्रीम चाट। नेक्स्ट आप ब्राउनी के बाबू, नेक्स्ट सो बुलाओ जरा, आज नहीं है आज मेरी तरफ देखा ना, कहना नंगी पुंगी, नेक्स्ट नंगी पुंगी, नंगी पुंगी बिस्किट ला दी है, चलो तुमको नंगी पुंगी, नंगी पुंगी इधर हो, नंगी पुंगी, नंगी पुंगी देखना मैं बुलाऊंगा नंगी, और नंगी पुंगी मेरे पास आओगी। आपको पता है नंगी पुंगी पे क्यों आए हैं? इसको हमने पिछली गर्मियों में हमने इसको शेव करवा दिया था तो इसको नंगी पुंगी, नंगी पुंगी इधर आओ, नंगी पुंगी। तो बस जी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।